हमें बहुत खुश है, हमें भाई लड़कियों नहीं चाहिए सबका। आप देख रहे हैं रियल न्यूज हरियाणा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल न्यूज हरियाणा और आज हम पहुंचे हैं गांव समैन के अंदर। यहां पर आपने समाज के अंदर देखा है कि लड़की को जन्म पर बहुत ही दुख माना जाता है, लेकिन यहां पर आज एक ऐसी घटना घटी है कि लड़की के जन्म पर कुआ पूजन करवाया जा रहा है और लड़की के जो जन्म हुआ उस पर इतनी खुशी मनाई जा रही है कि डीजे बज रहा है और घर में गीत गाए जा रहे हैं सुगंध के सभी और खुशियां मनाई जा रही हैं। जैसा कि भारत सरकार ने भी मुहिम चलाई हुई है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो दिया हुआ है, और वही गांव समैन के अंदर बिल्कुल सकारात्मक इसका जो है रिजल्ट आ रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे गांव समैन के अंदर यहां पर बेटी के जन्म पर खुशी मनाई गई और उनका जो है जलवा पूजन करवाया गया है। हम आपको और दिखाना चाहते हैं कि कैसे बेटी के जन्म पर उन्होंने खुशी मनाई है और डीजे बजाकर उसका जलवा पूजन करवाया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं बेटी का जलवा पूजन। देखिए, आइए हम चलते हैं उनके पास, उनको जलवा पूजन करवाया जा रहा है और यहाँ पर मेडिकल स्टाफ के सदस्य भी मौजूद हैं। उनकी जो मुहिम है भारत सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत अब ये जलवा पूजन करवाया जा रहा है बेटी के जन्म पर, उनसे बातें करते हैं। आइए हम इनसे कुछ बातें जानना चाहते हैं। नमस्कार जी, जैसे आज ये बेटी के जन्म पर जलवा पूजन करवाया जा रहा है, ये आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है भैया, ऐसा ही सभी बेटियों को इतना इज्जत देगा नहीं, आगे आगे समाज में अपनी अपनी सोच बदलेगी और लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, हम सभी लड़कियां हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो स्टाफ नर्स है उन्होंने बताया कि समाज के अंदर परिवर्तन आएगा अगर ऐसा ही ये मुहिम चलती रही तो। और भी हमारे साथ हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये जो गांव के अंदर जलवा पूजन बेटी के जन्म पर हो रहा है? ऐसे में यहाँ अपना जो सरकारी हॉस्पिटल है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है समैन के अंदर, मैं हेल्थ इंस्पेक्टरी पोस्ट पर हूँ, तो मुझे जब इसके बारे में पता चले मैं खुद यहाँ आया और मुझे बड़ी खुशी हुई है। जो लड़के प्रति हो हर बंदा करता है खुशी, लेकिन जो लड़के प्रति यहाँ मैंने खुशी देखी है बहुत अच्छी बात है। अगर ये कार्यक्रम हर बंदा लग गया करने तो इससे बेटियों की इज्जत मान सम्मान सब बढ़ेगा और जो बीच का भेदभाव वो भी खत्म होगा। यहाँ पर डीजे भी बज रहा है और गीत भी गाए जा रहे हैं सुगंध के, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, परिवार की तरफ को से आपको क्या लग रहा है? मैं तो इनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ और होनी भी चाहिए ऐसा प्रोग्राम आगे के जो ये कर रहे हैं नी, इस समैन गाँव के अंदर ही पूरे के अंदर ये प्रचार जाएगा जो ये इन्होंने खुशियाँ दर्शा रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, इससे जो आस पड़ोस के इन लोगों को पता चले कि लड़की पैदा होने पर हमें कितनी खुशी होनी चाहिए और जो ये लोग करके दिखा रहे हैं। जैसा कि सरकार ने भी ये मुहिम चलाई है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्या उसी के तहत या परिवार वालों की तरफ से भी आपको इसमें ये प्रोग्राम करने की आपको मंजूरी मिली थी? नहीं, मंजूरी की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि खुद जो बंदा जिसके घर में लड़की पैदा हुई है वो खुद खुश है और अच्छी बात ये खुशी सबसे ज़्यादा हमारे को है, क्योंकि जो ये डिलीवरी हुई है नहीं, जो बच्चा पैदा हुआ है ये हमारे अस्पताल PHC के अंदर ही हुआ है, समैन के अंदर ही। जैसे कि क्या इनके पास पहले भी कोई बच्चा है या पहली ही लड़की है? नहीं, एक लड़का भी है इनका पहले। पहले लड़का होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि ये इतनी खुशी मना रहे हैं। आइए हम उस माँ से एक बार पूछना चाहते हैं कि जिसके एक लड़का पहले था और लड़की होने पर इतनी खुशी मनाई जा रही है, तो उनसे हम कुछ जानेंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है। मन बेटी है मांग रही, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा छोरी है। तो पहले जैसे आपके लड़का है और आपके दोबारा दूसरा बच्चा है जो लड़की हुई है, तो आपको कैसा फील हुआ? बहुत बढ़िया फील हुआ लड़की के तो, लिए डिलीवरी करी थी बात। ये देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर शगुन के गीत गाए जा रहे हैं और बहुत सारे यहाँ गांव के लोग हैं जो देखने के लिए आए हुए हैं, और लड़की के जो पिताजी हैं हम उनसे भी अब बात करना चाहेंगे कि उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली।
तो सर आपके यहाँ लड़की हुई है, तो आपको ये जो प्रोग्राम किया है जलवा पूजन का, आपके पहले लड़का भी था लेकिन फिर भी आप लड़की के जन्म पर जलवा पूजन कर रहे हैं, तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? हमारे लड़की हुई है और हमें बहुत ही खुशी है। पहले लड़कियों को मार दिया जाता था। देखिए ये बताया इन्होंने कि लड़की के जन्म पर इन्हें बहुत ही खुशी हुई है और यहाँ इन्होंने घर से ही ये प्रेरणा मिली है कि लड़की के जन्म पर भी हमें खुशी मनानी चाहिए। देखिए लड़की के जो दादाजी हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं, तो आप कितने खुश हैं लड़की के जन्म पर? ज्यादा कैसा लगा, कैसा लगे आपको? पहले आपके एक पोता था, हमारा लड़की हुई है, हम बहुत खुश हैं इस पर, हमें भाई लड़की होनी चाहिए सबका। धन्यवाद। और यहाँ पर एक जो आंगनवाड़ी वर्कर है उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वो गांव के अंदर किस प्रकार के मुहिम चला रहे हैं लड़की को बचाने के लिए, तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप जैसे आंगनवाड़ी वर्कर हैं तो आपकी भी सरकार की तरफ से ड्यूटियाँ लगी होंगी, तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है गाँव में? बहुत बढ़िया मिल रहा है जी। ऐसे पहले भी कई प्रोग्राम हुए हैं, मैं आंगनवाड़ी वर्कर सुमैन से सुनीता शर्मा, पहले भी हमने इस प्रकार के कई प्रोग्राम करवाए हैं जी। इस मेरे एरिया के मतलब 3-4 प्रोग्राम हो चुके हैं लड़की के जन्म पर। एक क्या दूसरी लड़की थी उसने भी कुआ पूजन करवाया है, एक पहले लड़की थी उसका भी होया है। हमने बहुत मतलब ग्रामीणों में इस तरह का लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होना चाहिए, बहुत स्त्रियों की बहुत बातें बताई हैं, वो उस पर रिस्पॉन्स हो भी रहा है। तो जैसा कि पहले बहुत सारा लड़के और लड़की के अंदर भेदभाव था, क्या उसमें फर्क पड़ा है? हाँ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है जी। पहले लड़की के जन्म पर कोई कुआ पूजन नहीं करवाता था, कोई बधाई नहीं देता था, अब लड़की के जन्म पर बहुत खुशियाँ होती हैं, मिठाई वगैरह भी बटती है, कुआ पूजन भी होता है, बहुत ज़्यादा फर्क हो रहा है जी। धन्यवाद। ये थी आंगनवाड़ी वर्कर गाँव सुमैन से, तो हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि ये सरकार की तरफ से जो मुहिम चलाई जा रही है उसके अंदर बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं और जो लड़का और लड़की के अंदर भेदभाव था वो बिल्कुल गाँव सुमैन के अंदर ख़त्म होता जा रहा है। तो आप देखते रहिए रियल न्यूज़ हरियाणा। देख रहे हैं।